नमस्कार दोस्तों, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ब्रगु और तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त होने वाले सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं और अपने जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, जिसको भी आपने टारगेट किया एग्जामिनेशन को, उसकी प्रिपरेशन में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। साथियों, वोकैबुलरी के बिना किसी भी एग्जामिनेशन को, जहां मुख्य रूप से इंग्लिश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, संभव नहीं है। तो ऐसे में सर्वाधिक जरूरी है कि वोकैबुलरी को दिन प्रतिदिन इसी माध्यम से हम पढ़ते चलें और कहीं ना कहीं इस पर अपनी जो कमांड है उसको जबरदस्त तरीके से शार्पन करें। तो एक बार कंफर्म कर दो, ऑल गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भैया, आ रहा है एक साल परिवर्तन का जबरदस्त तरीके से और कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए जो आपको जल्दी देखने मिलेगा। सो इट्स कमिंग सून, एक साल एक परिवर्तन की कहानी। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं इस कारवां में और आज के सेशन समरी को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रहेगा, आज का दिन शुरू करेंगे जबरदस्त कोटेशन यानी कोट ऑफ द डे यानी मोटिवेशन के साथ एज यूजुअल। फिर उसके बाद रहेगा वर्ड्स विद पिक्चर्स क्विक रिवीजन, एडिटोरियल के वर्ड्स बताओ, ये चेंज नहीं हो पा रहा। जार्विस चचा, वेयर आर यू? ई का हुआ, जस्ट अ सेकेंड। कोट ऑफ द डे वर्ड्स विद पिक्चर्स, उसके बाद रहेगा आपका एडिटोरियल के वर्ड्स। इसको कैसे चेंज किया जाए ना, कहाँ है पेन? ना, दिस इज द पेन। बताओ, अंदाजे का गेम चल रहा है। आ गया फाइनली। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के यानी 2 नवंबर के एडिटोरियल वर्ड्स की, ठीक है? खास तौर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश की वोकैबुलरी, idioms and phrases, one word substitution, synonyms, antonyms, spelling based question, fill in the blanks रहेंगे, काफी important। फिर उसके बाद error detection, द हिंदू का पैराग्राफ आपको देखने मिलेगा, हम लोग रीड करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर उसके बाद आप लोगों का स्पेलिंग बेस्ड और अंत में रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन। सो एवरीथिंग इज पैक्ड फॉर ऑल ऑफ यू। शुरुआत करें आज के सेशन की बेहतरीन ढंग से। चलिए, तो सबसे पहले आज के इस दिन को शुरू करेंगे एक बेहतरीन कोट के साथ, ठीक है? और कोटेशन बड़ा ही सिंपल और कमाल का है, तो फोकस करिएगा सभी लोग। कोटेशन बड़ा ही सिंपल और कमाल का है, तो फटाफट से फोकस करेंगे सभी लोग, ध्यान देंगे। एक गायब कहां हो रहा है? चलिए, तो कोटेशन है, या तो जोखिम उठाएं और आगे बढ़ें या जोखिम ना उठाकर अपने लिए जोखिम बने। कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा, यू मस्ट हैव दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, यू कैनॉट गो एनीवेयर एल्स। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग रिस्क लेने तैयार हैं? एवरी वन, आर यू गाइस रेडी फॉर टुडे सेशन? सभी लोग बताइए। तो एक बार दिल से मिलकर सभी लोग बोलेंगे, बोलो भैया वाक्य बिहारी लाल की जय। ईश्वर का आह्वान करते हुए आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से सेगमेंट की। फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे कल के शब्दों का। तो सबसे पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर आ चुका है नीडलिंग शब्द, और नीडलिंग का आपको अर्थ बताना है, 15 सेकेंड का समय है। नीडिंग, पॉइंटिंग, प्रोवोकिंग या कमेंटिंग, फटाफट बताए व्हाट्स द मोस्ट प्रोबेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, यहां पर ये भाई सो रहा, इसको चाबी भरी जा रही है कि भाई उठ जा काम कर ले। तो नीडिंग तो होगा नहीं, पॉइंटिंग सिर्फ इंगित करना, प्रोवोकिंग किसी को उकसाना कि भाई काम कर ले, कमेंटिंग मतलब टिप्पणी करना। तो आंसर के रूप में सही जवाब इस ऑप्शन नंबर सी, दैट्स प्रोवोकिंग। ठीक है, प्रोवोकिंग इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर, किसी को है ना उकसाना के भाई कोई काम निर्धारित रूप से निपटा लो। नेक्स्ट इज इन एडुकेसीज, ठीक है? कोविड के समय आपने देखा होगा मॉल में जब शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं या बिग बाजार में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो लोग बल्क में खाने की चीजें अपने साथ ले जाते थे और इस तरीके से जो रोज थी वो खाली रह जाती थी, स्टॉल्स अक्सर खाली रह जाती थी, राइट?
तो इनएड्यूकेसीज का मतलब किसी भी प्रोडक्ट जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसकी क्या चल रही है, शॉर्टेज। शॉपिंग नहीं होगा, सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष, प्रोडक्टिविटी इज क्रिएटिविटी। ठीक है, जैसे कुछ लोग जो आईफोन के दीवाने हैं, है ना, आप देखेंगे कि एक मार्केट में हाइप क्रिएट किया जाता है, आईफोन लॉन्च होता है उसके बाद अवेलेबल नहीं होता, लोग प्री बुकिंग करते हैं और महीने महीने दो दो महीने तक इंतजार करते हैं कि कब हमारा आईफोन आएगा। सो दैट्स लाइक क्रिएटिंग इनएडिक्वेसीज इन द मार्केट। नेक्स्ट पर आते हैं प्रॉम्प्टिंग। देखिए, एक फैमिली मतलब परिवार दिख रहा है, माता पिता इस बालक को एनकरेज कर रहे हैं कि नहीं बेटा तुम खेल सकते हो, कम ऑन यू कैन डू इट, है ना, टेक दिस शटल एंड प्ले द गेम। तो प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है एनकरेजमेंट, फीलिंग, भावना जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग, किसी को प्रोवाइड करना। अनोइंग इज इरिटेटिंग, अनोइंग इज इरिटेटिंग, ठीक है, तो आंसर इज एनकरेजमेंट, गॉट इट, आंसर क्या हो जाता है, एनकरेजमेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज शटर्ड। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा जो पिक्चर देखकर इसका जवाब गलत दे। आई एम सॉरी गाइस, शटर्ड तो देख सकते हैं आप लोग, दुकान के शटर बंद है, तो सिवाय इसके कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आंसर इज ए, शटर्ड मींस क्लोज्ड, यानी टू क्लोज। नेक्स्ट पर आते हैं फंजिबल। इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सबसे पहले फन लविंग, दूसरा है ब्रॉट, तीसरा है एक्सचेंजेबल, चौथा है फ्रीक्वेंटली। फटाफट बताएं, सो व्हाट्स द राइट ऑप्शन इन योर ओपिनियन एवरीबॉडी। तो फंजिबल आपको याद होगा, कल ये शब्द जब मैंने पढ़ाया था कुछ लोगों ने बोला भी था सर बार्टर सिस्टम, बार्टर हो सकता है। बार्टर का मतलब क्या होता है कि भाई इस सामान के बदले ये सामान मिल जाना, तो के बदले, यानी एक्सचेंजेबल। अच्छा, इसके लिए एक फ्रेजल प्रेपोजिशन ध्यान रखना, इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब भी क्या होता है, के बदले, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रैक्चर्ड, फैंटेसी सेगमेंट्स ऑपरेटेड डैमेज्ड। व्हाट इज फ्रैक्चर्ड, तो आपके सामने अलग अलग प्रकार की हड्डियां हैं, क्रैक्स सब में दिख रहा होगा आपको, तो हम लोग फ्रैक्चर का मतलब क्रैक कहते हैं, क्रैक का मतलब चीजों का क्या होना, टूट जाना, यानी नष्ट, खराब हो जाना, डैमेज्ड। ऑपरेटेड नहीं होगा, ऑपरेटेड माने संचालित। सेगमेंट्स का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के भाग, जिसे हम लोग पार्ट भी कहते हैं, और फैंटेसी इज नथिंग बट कल्पना। नेक्स्ट, ए डबल एस ई एन टी, एसेंट, देखो जरा, ए डबल एस ई एन टी, एसेंट, है ना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, ऐसा कोई एक गाना आपने सुना होगा, तुम जो साथ देने का वादा करो, है? तो एसेंट मतलब भाई कोई शेक हैंड्स कर रहा है तो किसी एक बात पर आपसे सहमत है, है ना, तो डेफिनेटली दैट्स कंसेंट, यानी सहमति देना किसी चीज की। कैरिकेचर का मतलब होता है हास्य, है ना, हास्य पद जो भी कार्टून होते हैं उन्हें कैरिकेचर कहते हैं। बिगिन शुरुआत, रेंट किराया। नेक्स्ट, चलिए ओवर टर्न, व्हाट इज ओवर टर्न, ट्रैक्टर ओवर टर्न हो गया है, कोलिजन हुआ है, तो टकराव तो नहीं हुआ। कैप्साइज का मतलब उलट जाना। आंसर मिल गया, एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, इंसिडेंट, कोई भी घटना, तो आंसर के रूप में सही जवाब है कैप्साइज। जस्ट कीप इन माइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू ऑल। नेक्स्ट, चलिए भैया, दो कार आपस में भिड़ चुकी हैं, कोलिजन हुआ है, लेकिन इसके लिए दूसरा शब्द क्या होगा, व्हीकल, ह्यूज, कोलोजल या थंप। तुरंत उत्तर देने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे सभी साथी। तो यहां पर दो कार आई स्पीड में और एक दूसरे से भिड़ गई, तो कोलिजन हुआ, टकराव, टकराव को क्या कहेंगे, थंप। कोलोजल का मतलब क्या होता है, ह्यूज होता है, जिसे मैसिव भी कहते हैं, विशाल का है। व्हीकल तो सिर्फ व्हीकल है, यानी वाहन, तो आंसर के रूप में सही जवाब है थंप, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए भाई, है ना, कितना मासूम है बेचारा, है ना, एक तरफ स्नेक को एप्पल दिखा के खिला रहा है ना, और ये स्नेक भाई साहब के चेहरे से भी मासूमियत छलक रही है, टपक रही है कि हम तुमको नहीं डसूंगा, बिल्कुल चिंता ना करो, है ना, हम तुमको नहीं डसूंगा।
तो नाइव इज नथिंग बट भोला यानी इनोसेंट, वेनम मतलब होता है जहर, काइंड माने दयालु, और लवली बोले तो प्यारा। तो आंसर के रूप में सही जवाब इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इनोसेंट। चलिए भैया अग्रीव्ड, AGGRIEVED। 15 सेकेंड का समय है, पिक्चर देख सकते हैं, आंसू आंखों से रुक नहीं रहे हैं, क्या करें दिल टूटा है। तो जब दिल टूटा है तो है ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस जिंदगी के बीच मझधार में छोड़कर चले जाओगे। तो ही मतलब शी इज क्वाइट अग्रीव्ड, डिसअपॉइंटेड। ब्रोकन सिर्फ टूटा हुआ, कुछ लोग ब्रोकन मतलब यहां समझ लेते हैं वो दिल टूटा हुआ है, नहीं वो नहीं है, ये टूटा हुआ। लवली प्यारा, डिटैच्ड मतलब कि बस सांसारिक दुनिया को भुला के अब वो बस ईश्वर में लीन हो गया है, ही हैज गॉट डिटैचमेंट, है ना, उसे किसी से लगाव नहीं है। नेक्स्ट चलिए, ब्रोहाहा, वेंडेटा, विंडिक्टिव, वर्बोज या कमोशन। तुरंत आंसर देने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे सभी साथी, कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट्स द राइट आंसर। सो देख सकते हैं ब्रुहाहा इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर और नॉइजी आवाज में बात करना। बर्बोज का मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा शब्दों का जो प्रयोग करे, है ना, अत्यधिक भाषी। विंडिक्टिव इज नथिंग बट रिवेंज, चंद्रमुखी का बदला 3। वेंडेटा दुश्मनी होता है, ऑप्शन के बेसिस पर सही जवाब इज कमोशन। ठीक है चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। KNELL, नेल, डेथ बेल, रिंग बेल, फेवरेबल बेल, डोर बेल। कम ऑन, व्हाट इज द राइट आंसर इज द ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। क्रिकेट मैच आप सबने देखा होगा आज का, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। रोहित शर्मा आउट होने के बाद सांसें थम गई थी, लोग सोच रहे थे क्या होगा, फिर जैसे तैसे मैच सुधरा, और जब श्रीलंका की बैटिंग देखी तो वहां से अंदाजा हो गया कि भाई कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स डेथ बेल, इसको क्या कहते हैं, डेथ बेल, है ना, मौत की घंटी। नेक्स्ट चलिए भैया, टॉप ब्रास, देखो जरा ये भाई साहब कौन लग रहे हैं आपको दूर से देखने थे, रसिया के कौन हो, है ना, खास इंसान है ना, जब चाहे तब किसी से दुश्मनी करके, है ना, लड़ाई लड़ ले हैं। चलिए तो ये अपने टॉप ब्रास से मिल रहे हैं, मतलब क्या है, पीपल इन द हाईएस्ट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग अव्वल रैंक पर हैं उनका जो समूह है दैट इज टॉप ब्रास। ठीक है तो ये कल के शब्द थे, अब हमारा पड़ाव आगे की ओर बढ़ रहा है। आर यू गाइस रेडी फॉर दिस रियली आउटस्टैंडिंग सेशन। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके सामने आएगी, जिसमें वन वर्ड, idioms, synonyms, antonyms, स्पेलिंग बेस, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ रहेगा। तो शैल वी बिगिन एवरीबॉडी, फटाफट से शुरुआत करेंगे हम सभी लोग। एवरीवन, शैल वी बिगिन आवर सेशन, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है तो पहला पड़ाव है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, पहला पड़ाव है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, लेट्स फोकस ऑन इट एंड विल टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिकली। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वन वर्ड आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। चलिए एवरीवन, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज इन गॉड, एक बहुत ही पॉपुलर मैं कहूंगा यहां पर भगवान नरसिंह भगवान की एक मूवी जी सिनेमा पर दिखाई जाती थी। तो प्रहलाद से उनके पिता पूछते हैं हिरण्यकश्यप कि हरि तुम्हारे कहाँ हैं, सब जगह हैं, क्या इस पिलर में भी हैं, तो बोले बिल्कुल इसमें है।
तो उनका जो बिलीव था कि भगवान सब जगह पर है, ठीक है, तो स्केप्टिज्म का मतलब क्या था? डाउट। एनिमिज्म होगा नहीं, पैंथिज्म इज द राइट आंसर। अथीज्म का मतलब सिर्फ भगवान में मान लेना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 18% लोग सही हैं, सबने अथीज्म लगाया है। एथीस्ट जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, आपने ये पढ़ा नहीं, इसका मतलब सब भगवान में है और सब जगह भगवान है, ये पूछ रहा था वो। तो आंसर इज सी। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, एक व्यक्ति जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, एक व्यक्ति जिसे आसानी से पागल या बेवकूफ बनाया जा सके, फटाफट बताएं। ट्रबल, ट्रिक्स्टर, गुलेबल, टेंजिबल। सॉरी गाइस। तो एक व्यक्ति जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके उसे क्या कहते हैं? टेंजिबल इज टचेबल, ट्रिक्स्टर चाल फरेबी करने वाला, ट्रबल परेशानी, आंसर इज गुलेबल। गुलेबल मतलब इनोसेंट ही होता है, भोला भाला। गुलेबल का मतलब क्या ही होता है? भोला भाला, एकदम सीधा साधा, है ना, जिसे आसानी से लोग पागल बना देते हैं। अ 14 लाइन पोएम, अ 14 लाइन पोएम, कम ऑन एवरीबडी, व्हाट्स द राइट आंसर? अ 14 लाइन पोएम, एक 14 लाइन की जो पोएम है उसे क्या कहते हैं? लिरिक, बैलड, ओड या सोनेट। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रकार की कविताएं होती हैं, स्टेंजाज में होती हैं। 14 लाइन पोयम को बेसिकली कहते हैं सोनेट। ठीक है, लिरिक आप जानते हैं, बैलड और ओड ये बोलते हैं ना किसी के प्यार की दास्तां, दास्तां को कहते हैं, है ना। बैलड भी इसी प्रकार से गाथा में आ जाता है। तो आंसर के रूप में सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी को हम लोग यहां पर सही आंसर के रूप में चुनेंगे, एवरीबडी। ठीक है, चलिए चलिए, जार्विस चचा, टेडन टेडन टेडन, 83% लोग ठीक भी हैं। अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी, यानी गाथा, और एक जो बोलते हैं ना दुख व्यक्त करती है, दिल टूटा है किसी का इत्यादि कुछ करके पोयम लिख देते हैं। द एनिमल्स ऑफ अ रीजन, किसी क्षेत्र के जो जानवर हैं उसे क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र के जो जानवर हैं उन्हें क्या कहते हैं? लैंडस्केप, एनवायरनमेंट, फ्लोरा या फौना। तुरंत आंसर देने की कोशिश करें। उत्तर की दृष्टि से देखें तो लैंडस्केप और एनवायरनमेंट नहीं होगा क्योंकि ये वातावरण है। अब ये हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, एक फ्लोरा होता है, एक फौना। फ्लोरा आता है किसके लिए? यस, जिन्होंने सही कहा, फ्लोरा बेसिकली यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, तो फौना आता है एनिमल्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज एक बार फिर से सही जवाब। ठीक है, जब प्लांट्स होता तब हम यहां पर फ्लोरा लिखते, याद रखने के लिए कंफ्यूज ना हो तो फ्लावर से फ्लोरा ऐसे याद रख लेना, ऑप्शन डी। ठीक है, 82.5% लोग। ऑकरिंग एट नाइट, कोई चीज रात्रि में ही घटित होती है। हिंदी में एक शब्द सुना होगा शायद आप में से किसी ने, रात्रिचर। रात्रिचर एक प्रवृत्ति है, जैसे आजकल मनुष्य भी हो गए हैं, है ना, हम में से बहुत सारे लोग पता नहीं चलता रील्स देखते दिलते 12, 1, 2, 3 कभी भी बज जाते हैं, फिर पता चलता है अब तो सुबह होने वाली है, चलो उठ ही लो, फिर 6 बजे से है ना नींद को पूरा करने का विचार। तो इनको रात्रिचर कहते हैं, रात्रिचर होते हैं। नॉकचर्नल, जैसे ऑल, उल्लू, नॉक्चर्नल की प्रवृत्ति में आता है। नाइटली सिर्फ रात्रि से संबंधित है, डार्क, अंधेरा। न्यूरोटिक आप जानते हैं, न्यूरॉन से संबंधित है ना, वेन्स वगैरह से। तो आंसर के रूप में सही जवाब इज नॉक्चर्नल। शब्द ध्यान रखना, बढ़िया वर्ड है, नॉक्चर्नल प्रवृत्ति हो जाती है ना, ऑप्शन बी। 84% लोग बहुत ही शानदार। तो पहले चैप्टर के 5 प्रश्न पूर्ण हुए, आइए जरा देखते हैं स्कोर कार्ड क्या कहता है। स्कोर कार्ड कहता है कि आज निखिल टॉप पर हैं, फिर हैं दीक्षा, फिर प्रतिभा, फिर मीनाक्षी, फिर निधि, फिर प्राची, फिर देवेंदी, फिर सार्थक और कोमल। पासा पलटने का समय आ चुका है दोस्तों, कोशिश करें, जान लगा दें, और दिल से एक बार सभी लोग अपना अपना प्यार अपने इस भाई के सेशन को जरूर देते रहें, और जहां तक संभव हो पहुंचाने का प्रयास भी करें। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। चलिए भाई, पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आपके स्क्रीन पर, इन द ब्लूज। फटाफट से बताइए, इन द ब्लूज, वायलेंट एंड एंग्री,
वियरिंग ब्लू बैजेस, सिंगिंग सैड सॉन्ग्स, चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड. कम ऑन, फटाफट से आंसर देंगे भाई. इन द ब्लूज. इन द ब्लूज का मतलब क्या है? वायलेंट एंड एंग्री. देखो ब्लू बैजेस तो नहीं है, अब सिंगिंग सैड सॉन्ग, चीयरलेस या डिप्रेस, तो इन द ब्लूज. चलिए भाई, बहुत सारे लोग सही हैं. इसका मतलब कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर उत्साह खत्म हो चुका है ना, दिल इतनी बार टूटा है कि अब वो दिल लगाने से डरता है ना. दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा. तो ऑप्शन के बेसिस पर डी, होपलेस हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे किसी से प्यार नहीं होगा, है ना, एकदम मतलब अपने आप में काफी डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है 80% लोग. पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस. पेल वैसे येलो होता है और इनसिग्निफिकेंस इज अमहत्वपूर्ण. तुरंत बताएं भाई किस आंसर की ओर हम रुख करेंगे यहां पर. पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस वॉज लेस एक्साइटिंग, वॉज लेस हैक्टिक, वॉज डल एंड पेल सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट. कम ऑन एवरीबडी, लेट्स सी द राइट आंसर फ्रॉम एवरीबडी सेंड. तो मैं देख रहा हूं कुछ लोग डी कह रहे हैं, आखिर में ज्यादातर लोग डी की ओर ही अपने आप का रुझान रख रहे हैं, कुछ लोग सी का भी अपना रुझान दिए. आंसर के रूप में बिल्कुल जिन्होंने डी लगाया सही है. कोई एक चीज जो ऐसी प्रतीत होती है कि वो अब कम महत्वपूर्ण है, उसकी आवश्यकता नहीं है, है ना. तो उसे हम क्या कहते हैं, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस. ठीक है, तो आंसर की दृष्टि से हमारा जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो 77% लोग सही है, कुछ लोगों ने सी भी लगाया है. ध्यान रखें, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस इज समथिंग विच इज अनइम्पॉर्टेंट और आई शुड से लेस इंपॉर्टेंट. अगले प्रश्न पर आते हैं. स्ट्रेन एवरी नर्व, प्रत्येक नर्व को स्ट्रेन में, है ना, पहुंचा देना. बताएं भाई क्या आंसर हो सकता है. वर्क वेरी हार्ड, बैग बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने भिक्षा मांगना, स्पेंड अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट किसी चीज का खर्च कर देना, या फिर ट्राई ऑल ट्रिक्स, सभी चालाकियां अपना लेना. चलिए भैया, ए और डी में जबरदस्त फाइट यहाँ लगी हुई है विद्यार्थियों के बीच, और ये मुझे लगता है एक हेल्दी कंपटीशन है जो हम लोग शुरू किए हैं. इस कंपटीशन को बरकरार रहने दो दोस्तों, आप देखेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको कितना फायदा होगा. तो बोलते हैं नस नस में बहुत तकलीफ हो रही है, क्यों? क्योंकि आज उसने बहुत मेहनत की है. तो इसको ऑप्शन बोलते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी पूरी नर्व्स जितनी भी थी सबको उसने एकदम, है ना, एक्सरसाइज करा दी. नेक्स्ट, टर्न टर्टल, टर्टल को टर्न कर देना. बताइए भैया व्हाट इज टर्न टर्टल, टर्टल को टर्न कर देना. टर्न लाइक अ टर्टल, ओवर टर्न अ गेम, टर्टल्स प्ले स्लो लाइक अ टर्टल. इट्स अ गुड क्वेश्चन. यस एवरीबॉडी, इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. एवरीबॉडी फटाफट बताएं. तो टर्न टर्टल बिल्कुल सही है, इसको बोलते हैं ओवर टर्न, पलट जाना पूरी तरीके से, है ना. एक जो टॉर्टस होता है, यानी बेसिकली अगर हम बात करें कछुए की, तो भाई ज्यादा कुछ उससे होता नहीं है, बोलता है एकदम सरेंडर हो जाता है, पलट जाता है, अपने हाथ पैर अंदर कर लेता है, भाई जो है देख लो, है ना, अपन तो ऐसे ही है ना. चलिए आगे बढ़े. तो टर्न टर्टल का मतलब हो गया ओवर टर्न. ठीक है, आंसर की दृष्टि से अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही है. अच्छा, ये पोल स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्या बात है, इसकी जिंदगी. चलिए नेक्स्ट, फेयर्स फेयर, तुरंत आंसर देने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज फेयर्स फेयर? एवरीबॉडी मार्क योर राइट आंसर. फेयर्स फेयर, फेयर्स फेयर, बताइए जरा जल्दी से. जस्ट ट्रीटमेंट टू पैच अप, अ टिमिड अटेम्प्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम. चलिए, जार्विस चचा ने आप सभी लोगों की सुन ली है, वेरी वेल डन एवरीवन. फेयर्स फेयर देखो कितना अच्छा लग रहा है, फेयर एंड लवली मत बना देना इसको, कि फेयर्स फेयर, अरे भाई इतना फेयर मत कर भाई, इतना फेयर. जस्ट ट्रीटमेंट, पैचअप मतलब, है ना, लड़ाई लड़ाई बंद करो, अब दोस्ती यारी शुरू करो.
टिमिड अटेम्प्ट, कायरतापूर्ण अटेम्प्ट, टू बी डिफरेंट फ्रॉम नहीं होगा, आंसर इज जस्ट ट्रीटमेंट, किसी के साथ न्याय किया हुआ। देखो क्लियरली दिख रहा है ना, फेयर फेयर के इतना फेयर था कि वो फेयर लगने ही लगा, समझ रहे हो? तो बस फेयर फेयर मतलब एकदम ऐसा ट्रीटमेंट उसके साथ हुआ कि जो कि एक जस्ट, जस्ट मतलब न्यायिक। क्लोज्ड द बुक ऑन, किसी चीज पर किताब बंद कर देना, बताइए। द मिस्ट्री बुक स्टॉप्ड वर्किंग ऑन स्लाइट सेटिस्फेक्शन बी सेपरेटेड, तुरंत बताएं बाबा ऐसा कैसे काम चलेगा रे बाबा। चलिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है? बिल्कुल कुछ लोगों का ऑप्शन सही है, स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, किसी चीज पर काम करना बंद कर देना, भाई केस बंद हो गया है तो बस खत्म बात। ऑप्शन बी 81.32% लोग सही हैं। तो ये थे हमारे दो पड़ाव, दो चैप्टर। अब आ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर, जहां सबसे ज्यादा आपके पेशेंस और आपके सुनने, बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स की जरूरत है। जितना अच्छे से सुनोगे उतना वो शब्द याद रहेगा और उसका एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो मेरा निवेदन सबसे होगा, प्लीज यहां पर दम मत तोड़ना कि नहीं बस हो गया चलो, यहां पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये मेन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली स्लाइड का सबसे पहला शब्द आपके स्क्रीन पर है भाई, गैल्वनाइज्ड। गैल्वनाइज्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एनर्जाइज करना, इनविग्रेटेड, सक्रिय करना, यानी शक्ति प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। जैसे कई बार होता है ना, शुभमन गिल इज प्लेइंग ऑन द फील्ड एंड स्पेशली जिसे वे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, स्टैंड्स में बैठ के खूब ज्यादा उनका प्रोत्साहन कर रही हैं, तो एक अलग ही गैल्वनाइजेशन आ जाता है कि ना आज तो 100 मारना है, बट आज भी आई थिंक भाई चूक गया 100 से, बट कोई बात नहीं, अगला वो दिन फिर आएगा, है ना। तो गैल्वनाइज मतलब ही फेल्ट एनर्जेटिक, ठीक है, वेरी वेल डन। तो नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटेंशिएट, ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को सिद्ध करना, एज टू प्रूव, सब्सटेंशिएट। जैसे मान लो है ना कोई भी केस है, कौन दोषी है कौन नहीं, यू हैव टू सब्सटेंशिएट दैट, ही सब्सटेंशिएटेड हिज क्लेम, अपने दावे को उसने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि भाई जो मैं बोल रहा है वो गलत नहीं है रे बाबा। नेक्स्ट टेनमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेनमेंट्स का मतलब छोटे छोटे रहने वाले जो फ्लैट्स होते हैं ना उनके लिए, अपार्टमेंट्स हो जाते हैं, फ्लैट्स, लॉजिंग, जहां पर लोग निवास करते हैं, है ना, निवासालय या निवास स्थान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्वीकिंग। ट्वीक मतलब क्या होता है? एडजस्टिंग। कई बार होता है जीवन में कई सारे बदलाव आते हैं, है ना, आप जब नवजीवन की ओर बढ़ेंगे, नवजीवन मतलब अपना सरकारी नौकरी, अभी वहीं तक रहो, तो सरकारी नौकरी के जीवन में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आते हैं। शुरू शुरू में आप कहोगे अरे नहीं मैं नहीं बदलूंगा दोस्तों, चिंता मत करो, बराबर फोन होंगे तुम लोगों को, बातचीत होगी, लेकिन आपको भी पता है समय के हिसाब से बहुत सारे एडजस्टमेंट और बदलाव करने पड़ते हैं, और आपने भी देखे होंगे बचपन से अब तक बहुत बदलाव अपने अंदर। सो दैट्स ट्वीकिंग। यू कैन ट्वीक द सेटिंग्स ऑफ टू कस्टमाइज। अब आजकल देखो फोन में भी अपने हिसाब से वॉलपेपर सेट करना या आइकन्स बना लेना, सब कुछ कस्टमाइजिंग होता है, आसानी से ट्वीक कर सकते हैं। माइरियड, माइरियड मतलब असंख्य, आसान नहीं है जिसे गिन पाना, है ना, बहुसंख्यक, वेरियस, मैनी जिसे कहते हैं। द माइरियड इन्फ्लुएंसेस दैट शेप अ पर्सन्स कैरेक्टर। कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को आसानी से इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज पार्लस। पार्लर मत समझ लेना, कुछ लोग इसे पार्लर कह देते हैं तो पार्लस शब्द पेरिलस से ही बना है। पेरिल आपको याद होगा, जोखिम, खतरा, समथिंग इज पेरिलस, तो वही पार्लस का मतलब रिस्की, जोखिमी, डेंजरस, अ पेरिलस ऑक्यूपेशन। आप कई, आप जो भी लोग रील्स देखते हैं आई थिंक इजिली देखते होंगे, कई सारे ऐसे हजार्डस काम दिखाते हैं, है ना,
कि ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां 60 60 70 डिग्री पर उन्हें काम करना पड़ता है, तो दैट इज रिस्की, है ना, बट दे आर हैबिचुअल ऑफ नाउ। ऑफस्केटिंग, किसी चीज को अस्पष्ट कर देना। कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटिंग, कई बार क्या होता है आसान कही गई बात समझ नहीं आती, लोग उसे जटिलता से ऐसे बताते हैं कि आसान बात को समझ ही नहीं पाते। टू ऑफस्केट द फंडामेंटल इश्यू ऑफ समथिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रैंकल। अब देखो, इस शब्द को आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। ह्यूमन बिहेवियर है, आपका कितना भी परम मित्र क्यों ना हो, वो आपसे अगर पूछेगा कि भाई अगर मैं टॉप कर जाऊंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, तो आप बोलोगे अरे भाई बहुत अच्छा लगेगा, तुमसे ज्यादा मुझे खुशी होगी, ये सब कहने वाली बात है। उसको सच बताओ कि भाई टॉप करेगा या सफल हो जाएगा तो मुझे उतनी जलन होगी जितनी बाकी किसी इंसान को भी होगी। ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें को एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, और भाई होना भी चाहिए, इतनी ग्रीड तो हर इंसान के अंदर है कि नहीं। तो रैंक आ गई उसकी, तो भैया आपको आएगा जलन तो होगी, गुस्सा थोड़ा सा खुद पे भी आएगा, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रैंकल, रूडनेस फ्रॉम अ यंग पर्सन मेक्स मी रैंकल। उस व्यक्ति के द्वारा जो अभद्रता दिखाई गई, रूडनेस दिखाई गई, कि उससे मुझे आ गया गुस्सा। नेक्स्ट इज रिकास्ट। रिकास्ट, अब देखो मूवी की कास्टिंग हुई लेकिन जो एक्चुअल में एक्टर था उसने मना कर दिया, फिर रिकास्ट हुई मूवी पूरी तरीके से अभद्र की तरह, तो मूवी को क्या किया गया, मॉडिफाई, मरम्मत, इम्प्रोवाइज जिसे बोलते हैं, एनहेंस, इम्प्रोवाइज करना। ही रिकास्ट द क्वेश्चन इन डिफरेंट टर्म्स, उसने प्रश्न को अलग अलग रूप में, है ना, अलग अलग रूप से रिकास्ट कर दिया। टच और रॉ नर्व, देखिए एक ईडियम आया है बहुत कमाल का, टच और रॉ नर्व, इसका मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति या लोगों को हर्ट करना, अपसेट करना, दुख पहुंचाना। टू हर्ट और अपसेट अ पर्सन और पीपल। देजा वू, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड आजकल एडिटोरियल में। देजा वू का मतलब क्या होता है, जो भी डिसीजन या फीलिंग जो पहले आप देख चुके हो या सुन चुके हो, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, आप बोले यार ऐसी मूवी तो साउथ में भी देखी है, फिर आपको याद आएगा अरे ये तो साउथ की रीमेक है ना। जैसे अभी हॉटस्टार पर आप लोग अगर मैचेस देखते हो तो एक मूवी का एड आता है, वेद, VED, वेड, आई थिंक ऑफ शायद जेनीलिया और रितेश देशमुख हैं उसमें, शायद आपने देखा हो। अब वो मूवी साउथ की मूवी माजुली से कॉपी की गई है ना। आप मूवी देखोगे तो यू विल फाइंड कि भाई हाँ ऐसा है, सो दैट्स देजा वू। तो आपको एक फीलिंग आ जाएगी, अरे यार ये तो पहले देखा है। पाइल, पाइल मतलब बंच में चीजों का ढेर लगा देना, खूब सारी चीजें इकट्ठी कर देना। अ लार्ज पाइल ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब जैसे घर में न्यूज़पेपर्स आप लोग अगर इंग्लिश के बांध लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, तो शुरू के एक दिन तो आपको लगेगा पूरा पढ़ना है, दूसरे दिन अरे नहीं पढ़ना है, कम से कम हेडलाइन तो पढ़नी है, फिर 2 से 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपको एहसास हो जाता है कि यार ये हमसे ना हो पाएगा, फिर चित्र देख के काम चलाया जाता है, फिर 1 महीने के बाद घर वाले देख लेते हैं कि भाई रद्दी बन रही है, बस कुछ होना जाना नहीं है, बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज जिटर। जिटर का मतलब क्या होता है, आपने जिटर पेन देखा होगा, जेटर का एक पेन आता था खटके वाला, खट 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 खट, तो कुछ लोगों की आदत बन गई थी फ्री टाइम में। तो जिटर का मतलब होता है टू मेक कंटिन्यूअस मूवमेंट्स, लगातार मूवमेंट करते रहना। फॉल्टरिंग, जानते हैं पहले भी सुना है, लड़खड़ाना, इकोनॉमी बीच में लड़खड़ा जाती है, ठीक हो जाती है, तो दैट इज फॉल्टरिंग। स्टम्बलिंग भी जिसे बोलते हैं। एरेंट, ARRANT, एरेंट वर्ड प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बदनाम लोगों के लिए यूज होते हैं, मतलब जो लोग फेमस तो हैं लेकिन नेगेटिविटी के लिए, द वन हु इज फेमस फॉर नेगेटिविटी, दैट इज एरेंट। एंड द लास्ट वर्ड इज कैनार्ड। कैनार्ड वर्ड ध्यान रखें, एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैनार्ड बोलते हैं किसी भी प्रकार की फॉल्स रिपोर्ट। अब पुरानी बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि अक्सर, है ना, किसी को इल्जाम में फंसाने के लिए, है ना, कि अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स बनवाई जाती थी, आज भी होता है ना, कि नहीं उसे फंसाना है कैसे भी, सो दैट्स व्हाट। तो आप देख सकते हैं आज के काफी सारे वर्ड्स हैं आज के इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के सेगमेंट में, एंड यू विल फाइंड कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़े एवरीवन, चलिए तो अब हम अगले पड़ाव पर आते हैं, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन। इनमें से आपको चुनना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वो शब्द कौन सा है। पहला वर्ड है फेसिलिटेट,
प्रेज, इंप्रूव या इरेंट, चुने बताएं तुरंत। चलिए भैया समय लगभग समाप्त होता हुआ, बाकी मीनिंग्स पता है इसका, मतलब इरेंट एक थोड़े अजीब ढंग से पेश आना, है ना, बुरे ढंग से। प्रेज ठीक है, इंप्रूव ठीक है, इरेंट ठीक है, फैसिलिटेट में फेस आ गया है, जबकि फेस नहीं होता, इट्स फेसिलिटेट, FACILITATE, ऑप्शन ए। फैसिलिटेट मीन्स टू प्रोवाइड समथिंग, ठीक है, 94% लोग ठीक है। इनकम्बेंट की सही स्पेलिंग चुने भैया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड इनकम्बेंट, इनकम्बेंट शब्द की सही स्पेलिंग क्या हो सकती है, फटाफट से बताइए, वॉट मोस्ट प्रोबेबली गोना बी द राइट आंसर। एवरी वन कम ऑन, सो दैट्स इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब ऑफिस होल्डर, पढ़ चुके हैं हम लोग ये शब्द पहले, है ना, जो व्यक्ति इस पोस्ट पर विराजमान है, ऑफिस होल्डर, इनकम्बेंसी नाउन हो जाता है, तो ऑप्शन की दृष्टि से डी इज अवर एब्सोल्यूट राइट आंसर, इनकम्बेंट, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड ऑफिस होल्डर को कहते हैं। हेलो हेलो, इतना लेट, हेलो, चलिए 63% लोग, कुछ लोगों ने बी लगा दिया, इट्स बी ए एन टी लगा दिया, इट्स बी ई एन टी, इट्स नॉट बी ए एन टी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, माई फ्रेंड अनलाइक माई ब्रदर्स ब्लैंक टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग, ये थोड़ा ग्रामेटिकल है, बट लेट्स सी ग्रामर को कितने लोग पिक कर पाते हैं यहां से। इट्स अ ग्रामेटिकल बेस्ड फिल इन द ब्लैंक, इट्स अ ग्रामेटिकल बेस्ड फिल इन द ब्लैंक, कम ऑन एवरीबॉडी चूज द राइट आंसर नाउ। चलिए टाइम्स अप, देखिए अनलाइक लाइक ये प्रेपोजिशन है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो यहां पर यही रहेगा, बाकी सब प्लूरल है, ऑप्शन ए, ठीक है 67%। लाइक अनलाइक, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, विद विदाउट, है ना, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं, और प्रेपोजिशन से जब दो शब्द जुड़े होते हैं तो पहले वाला सब्जेक्ट है, बाद वाला नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर एवरीवन, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और चीजों पर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है एवरीबॉडी। तो पहला ईडियम यानी सिनोनिम आपके स्क्रीन पर, डिसिपेट, प्लेजर स्कैटर मैमथ कैलमिटी, प्लेजर स्कैटर मैमथ या कैलमिटी, मीनिंग देख लेते हैं ऑप्शन के, प्लेजर खुशी, स्कैटर बिखरना, मैमथ विशाल काय, कैलमिटी विपत्ति। चलिए तो डेसिपेट मतलब स्प्रेड आउट समथिंग, द राइट आंसर इज बी, मैमथ नहीं होगा, कैलमिटी विपत्ति, प्लेजर खुशी को कहते हैं, आंसर इज बी, बी इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर, बी इज अवर एब्सोल्यूट राइट आंसर, ठीक है। स्कैटर टू स्प्रेड आउट समथिंग, चीजों को, है ना, स्प्रेड करना, बिखेरना, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। जार्विस चचा क्या हो गया, तुमको भी मोहब्बत हो गया है इसलिए तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे चल रहा है। नेक्स्ट, चलिए भाई विनसम शब्द का अल्टरनेटिव, व्हाट इज द राइट अल्टरनेटिव फॉर द विनसम, ठीक है, एप्लीकेबल, ब्यूटीफुल, कंडीशन, डिलाइट। कम ऑन, विनसम, एप्लीकेबल, ब्यूटीफुल, कंडीशन या डिलाइट, तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब विनसम आता है, ब्यूटीफुल, सुंदरता के लिए, कोई चीज बहुत सुहावनी है उसे कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। सब लोगों ने डिलाइट लगाया है ना, देखो देखो लाइट आ गई,
है ना, और क्या, विंसाम। ठीक है आगे बढ़े। तो कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है, उसके लिए आता है नेक्स्ट। अबैश, ABASH, रिफ्यूज, अमेज, एम्बेरस, स्क्वैश। तुरंत बताएं भाई। चलिए लेट्स सी योर राइट आंसर एवरीवन। अबैश, रिफ्यूज, अमेज, एम्बेरस या फिर स्क्वैश। कई लोगों ने एम्बेरस लगा दिया है। चलिए ऑप्शन के बेसिस पर कई सारे लोगों का आंसर सही भी है। एम्बेरस करना, रिफ्यूज मना करना, अमेज आश्चर्यचकित करना, है ना। स्क्वैश एक गेम भी है, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत जोर से वहां पर शॉट मारे जाते हैं। स्क्वैश, स्क्वैश है। नेक्स्ट, कॉन्टमेसी। तुरंत बताइए कॉन्टमेसी, कॉन्टमेसी। चलिए भाई, कॉन्टमेसी का मतलब क्या होता है? सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, किसी ने कहा एसी लगवाओ, सर्दियों में एसी लगवाओ, नहीं मुझे मुझे गर्मी लग रही है, एसी लगवाओ। तो उस चीज के लिए सब मना करेंगे, भाई बीमार पड़ जाएगा। कौन तुम एसी की बात कर रहे हो इस सीजन में, याद कैसे रखना, कौन तुम एसी की बात कर रहे हो इस सीजन में, नहीं लगेगा। आंसर इज रेजिस्टेंस। डाइवोर्स अलग होना, रिलेशन होगा नहीं, रेजिस्टेंस क्लियरली मना कर देना, है ना। देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पर तरीके से याद कर लिया 63%। तो भाई जो लोग गलत किए हैं ध्यान रखना। नेक्स्ट, आज्ञा का उल्लंघन। वाह, सेंश्योर, ऑपोजिट बताना है फिर कह दूं, फिर बोलो गलत कर दिया। सेंश्योर का ऑपोजिट कॉल्ड प्रेज, इंप्रूव, रिवोक। चलिए चलिए, कम ऑन, दैट्स रियली ग्रेट एवरीवन। फटाफट से आंसर देना है हम सब लोगों को। चलिए, सेंश्योर मतलब स्कॉल्ड, ये सिनेनिम, ये सिनेनिम। तो तारीफ के लिए एक ही बचता है प्रेज। इंप्रूव माने सुधारना, बेसिकली इंप्रूव का मतलब क्या है, सुधारना। आंसर इज बी, 81.08% लोग। नेक्स्ट, ग्रज, GRUDGE, ग्रज का ऑपोजिट हेट्रेड, अवर्शन, अफेक्शन, कंटेंडर। तुरंत आंसर दें, जल्दी से जवाब दे दो रे बाबा, क्यों इतना शांत हो। चलिए, ग्रज, ग्रज को याद रखो, गरजना, गरजना मतलब किसी पर बहुत ज्यादा नाराजगी बरसा देना। तो भैया उससे नफरत होगी, अवर्जन। कंटेंडर कौन हो गया, प्रतिद्वंदी। एक ही ऑप्शन बचता है, अफेक्शन, प्यार वाला, लगाव। अफेक्शन बोले तो लगाव, ऑप्शन सी। ठीक है, 92.54% लोग ठीक है। चलिए एरर डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, एरर डिटेक्ट करेंगे। देर आर ओनली अ फ्यू कंपनी विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। इस तीव्रता के मैग्नीट्यूड को हैंडल करने, मतलब इस तीव्रता के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए कुछ ही कंपनीज है। चलिए एवरीबॉडी, टाइम्स अप। तो पहले तो ना के बराबर, तो फ्यू कंपनी नहीं कंपनीज होगा, ऑप्शन बी। कंपनीज होगा, एक नहीं है कंपनी, तो ऑप्शन यहां पर बी होगा। ठीक है, 75.81% लोग ठीक है। देर आर ओनली अ फ्यू भी लिख सकते हैं, बट यहां कंपनीज होगा। आप चाहें तो अ फ्यू रहने दो, पॉजिटिविटी के लिए कोई इशू नहीं है, बट कंपनी नहीं कंपनीज होगा। ठीक है, चलिए पैराग्राफ टाइम एवरीबॉडी, इट्स पैराग्राफ टाइम। सबको रीड करना है बिना किसी
बहाने के, और सब लोग रीड करेंगे, ऐसा मेरा विशेष आग्रह सभी विद्यार्थियों से है। मैलवेयर मेलाइज, मैलवेयर जानते हो, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो एक प्रकार का वायरस। मेलाइज इज दुर्भावना। रिपीटेड एलिगेशंस ऑफ स्पाईवेयर यूज नीड थरो इंडिपेंडेंट प्रूफ। बार बार एलिगेशंस लग रहे हैं स्पाईवेयर के यूज के, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे से जांच लेने की आवश्यकता है। क्या है, आइए जरा देखते हैं। प्रोब माने जांच, इंडिपेंडेंट मतलब है ना, बिना बायसनेस के। तो चलिए भाई, आपके पास है समय, और वो भी 3 मिनट का, सब लोग रीड करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रीड जरूर कीजिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ड्राइविंग, फलना फूलना बढ़ना, वाइटल माने महत्वपूर्ण, पढ़ चुके हो। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। गो थ्रू मतलब पढ़ लेना। फोर्थ स्टेट बोलते हैं ना मीडिया को। डेसिडेंट्स कौन होते हैं, जो बात माने ना आसानी से, पढ़ा है हमने, ठीक है। कंसोर्टियम एक प्रकार की मीटिंग, असेंबली, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है भाई, ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर एक प्रकार का वायरस है, वायरस का नाम दिया गया है, जो कि इजरायली के द्वारा है ना विकसित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखें। तो दिस इज योर पैराग्राफ एवरीवन, आई होप यू पीपल हैव गॉन थ्रू इट इजीली, ठीक है। चलिए तो सेशन को यहीं देखते हैं। आज का होमवर्क है गैल्वनाइज शब्द का सिनोनिम आपको बताना है चैट बॉक्स में, ठीक है, अभी नहीं, सॉरी चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट में। कल मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था रोल मॉडल, एंड ट्रस्ट मी 10 से 12 लोगों ने सिर्फ जवाब दिया, ये दर्शाता है कि आपका इस सेशन के प्रति कितना दायित्व तो है। छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो बदलाव लाती हैं। बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं ना, कई सारे लोग मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, बस उस समझदारी को थोड़ा बरकरार रखें, ठीक है। चलिए तो जरूर जवाब दीजिएगा, सेशन कैसा लगा बताइएगा। पीडीएफ तुरंत आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिन्होंने ज्वाइन किया है वो ठीक है, नहीं किया तुरंत ज्वाइन कर ले, नाम आपको पता है।
इस नाम से सर्च करने पर मिल जाएगा, या फिर इंग्लिश वेब रघु सर एसएससी वाला आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट, या स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आइए जरा थोड़ा सा लिस्टिंग पर नजरें डाली जाए, तो मीनाक्षी इज एट द टॉप, फिर है प्रतिभा, संजॉय, शिवानी, वॉकर, महक, सोनिया, अथर्व, निखिल, नीतीश, निधि, सोनाली, कैप्टन स्टीव रोजर्स, हिमांशु, चंदन, ज्योति, युगेंद्र, सरिता, निधि, दीक्षा, वैशाली, फार्मा, दीक्षा सिंह, बरैया, निशा, प्रतिभा, चंचल, रुद्राक्ष, प्राची, सार्थक, नव्या, एवरीवन, ठीक है। तो चलिए भाई इस सेशन के सिलसिले को समापन देते हैं और मुलाकात होगी आप सभी लोगों से कल। तब तक के लिए खूब खुश रहें, खूब आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें, और जो लोग इस सेशन को रोज देखते हैं वेरी वेल डन, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी।